हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ 2024 की स्ट्रेटेजी, प्रीलिम्स प्लस मेंस को कैसे क्वालिफाई करना है और मेंस में 20 प्लस मार्क्स की लीड कैसे लेके आनी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल्ड में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको उसको नोट डाउन करना है और सिस्टमेटिकली फॉलो भी करना है ऑन अ सीरियस नोट विद डिसिप्लिन। और ये मैटर नहीं करता कि आपके इतने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुए या आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, मैटर ये करता है कि अभी जो टाइम चल रहा है, ये जो आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, ये जो गोल्डन पीरियड है, इस टाइम में आपको फुल यूटिलाइज लेना है अपने रिसोर्सेज का, अपने टाइम का, और अपने आप को इनहेंस करना है और लग जाना है स्टडी पे। ठीक है, अब हम टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं। सो अब स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी आपको मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी है तो आप ये भी ज्वाइन करें, क्योंकि जितना भी मटेरियल और अपडेट्स होती है, पीडीएफ वगैरह और आने वाले वीडियोस का स्केड्यूल, वो सब ग्रुप में बता दिया जाता है। तो @RightApproach_banking, और इसी की जगह बैंकिंग की जगह आप यूट्यूब लिख देना, आप डायरेक्टली चैनल पे भी जा सकते हो। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये कुछ डिटेल्स मेरे बारे में। सो अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी। और जिन स्टूडेंट्स को मेंस की स्ट्रेटेजी को देखना है, तो मैं मेंस की स्ट्रेटेजी का टाइम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से उसको देख के डायरेक्टली जंप कर लेना, आपका भी टाइम सेव होगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ मेंस की स्ट्रेटेजी देखनी है। तब हम पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो देखो, प्रीलिम्स टफ तो है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। टफ क्यों है? क्योंकि 5 लाख या इससे ज्यादा कैंडिडेट्स आपके प्रीलिम्स में अपियर होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो ज्यादा ही होते हैं, बट 5 लाख बच्चे आपके अप्रोक्सीमेटली अपियर होते हैं। अब उन 5 लाख बच्चों में से आपको, अगर मान लो सीट 6,000 है एवरेज, तो 60,000 बच्चों में आपको आना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है, स्पेशली स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी ज़्यादा अच्छी कमांड नहीं है प्रीलिम्स पे स्पीड में। लेकिन अब मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसको वो आप फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप, और फिर देखना आपका प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई होता है और हर एक एग्जाम का प्रीलिम्स। तो ये स्ट्रेटेजी बिगिनर्स के लिए रहेगी जो अभी फर्स्ट एग्जाम देंगे 2024 के अंदर, और वो स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए भी है ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, चाहे वो आपका 1 साल से हो, 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, डजंट मैटर, तो सबके लिए है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि एक माइंडसेट रहता है बच्चों का कि कोई भी एग्जाम देना है तो उसके जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की, वो देख लो। तो देखो, आप एक ओवरव्यू के लिए देख सकते हो कि लास्ट 2 to 3 ईयर्स के कट ऑफ का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो आप देख सकते हो, बट उससे आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है, उसका जो जो उसका डिफिकल्टी लेवल होता है और जो उसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं, वो काफ़ी मैटर करते हैं। तो उसमें कोई बेनिफिट होता नहीं है कंपैरिजन करने में। तो मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी कि कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर्स से कंपेयर मत करना कि इस साल कट ऑफ क्या जा सकती है या क्या रहेगी, कहाँ पर लाई करेगी, किस रेंज में, तो वो बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि देखो, लेवल एग्जाम का डिपेंड करता है। अगर एग्जाम का लेवल इजी आ गया तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है काफ़ी हाई जाएगी। ठीक है, 70+ तो फिर आप मान के चलो 70+ आराम से जाएगी आपकी, अगर इजी आ गया तो। मॉडरेट लेवल का आ गया तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ लाई करती है वो अराउंड 65 के आसपास रहती है, और मॉडरेट टू ट्रिकी आ गया तो थोड़ी सी यहाँ पर कट ऑफ गिर जाती है, यहाँ पर मान के चलो 60 के अराउंड +2 मैक्सिमम। और अगर डिफिकल्ट आ गया तो फिर कट ऑफ काफी नीचे गिरती है, तो 55 तक भी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है कट ऑफ का। तो आपको मैंने बता दिया है कि ये जो लेवल ऑफ एग्जाम है, ये सिर्फ रियल एग्जाम पे भी नहीं, ये मॉक पे भी डिपेंड करता है, मतलब मॉक पे भी कंप्लीटली मैच करता है ये। जब आप मॉक दोगे तो वहां भी सेम होता है। अगर इजी मॉक है, उसका जो फ्रेमिंग है मॉक की वो इजी है, तो आपके हाई नंबर में परसेंटाइल ज्यादा अच्छी नहीं आती। वहीं अगर
मॉक डिफिकल्ट है और आपने काफी अच्छा स्कोर कर लिया, तो आप टॉपर्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, आपकी रैंक अच्छी आ जाती है। अब यहाँ पर लेवल ऑफ कंपटीशन आपको देखना है, कोई भी एग्जाम आप देते हो चाहे वो IBPS का हो, RRB का हो, SBI का हो, PO या फिर क्लरिकल, तो उस एग्जाम में कंपटीशन रहता है। वो कंपटीशन ऐसा रहता है कि या तो वो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं बट मेंस में उनको दिक्कत आती है, तो आपको उन बच्चों को कम्पीट करना है, ये मैं प्रे की बात कर रहा हूँ। तो आपकी जो लगभग 50% सीट्स है ये वही बच्चे ले जाते हैं, तो बाकी की जो 50% सीट्स होती है यहाँ पर आपको अपना नंबर बनाना है। नंबर आप अपना यहाँ भी लेके आ सकते हैं अगर आप इनसे भी अच्छा परफॉर्म कर दे तो, क्योंकि देखो एक प्रोग्रेस होती है, उसका एक बार होता है, उसको अचीव करने के बाद आप इनको भी कम्पीट कर सकते हो, राइट। तो इनसे डरना नहीं है, आपकी तरह ही है ये सब। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी बच्चे पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स के नंबर मैटर करते हैं फिर परसेंटाइल मैटर करती है, तो देखो परसेंटाइल काफी इंपॉर्टेंट होती है और वही मैटर करती है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका रीजन है क्योंकि अगर आप जब मॉक लगाओगे, सपोज कि आपने मॉक लगाया और उस मॉक में IBPS PO की बात कर लेते हैं हम, सो IBPS PO प्री के मॉक में 100 क्वेश्चन में आपने नंबर ले लिए 65, ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ये आपके आ चुके हैं, और इसमें आपका परसेंटाइल बना है 79% या 80, कुछ भी लगा लो, तो नंबर तो आपके यहाँ पर देख रहे हो काफी डिसेंट है, लेकिन आपका परसेंटाइल अभी भी टॉपर्स वाला नहीं है। टॉपर्स वाला परसेंटाइल होता है जब आपके 90+ परसेंटाइल आराम से आए, वो होता है टॉपर्स वाला परसेंटाइल, यानी कि आपका एग्जाम रुकेगा नहीं किसी कीमत पे। सो यहाँ पर अगर 65 मार्क्स की जगह आपके 75 मार्क्स तक होते तब आपका आता 90+ परसेंटाइल, तो ये डिफरेंस होता है। तो हमेशा परसेंटाइल को चेस करना है, उसको देखना है, ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, बिगनर्स के लिए भी और रिपीटर्स के लिए भी। सो मार्क्स को चेस नहीं करना आपको, ठीक, आपको चेस करनी है क्या, परसेंटाइल। परसेंटाइल को पकड़ के लेके चलो और यहीं पे हिट करो, टारगेट 90+ का करो कैसे भी करके। अब काफी बच्चे एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, कैंडिडेट एक ए से पूछा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, 10 दिन इसको फॉलो किया, फिर बी से पूछा आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, फिर 7 दिन इसको फॉलो किया, फिर सी से पूछा, फिर 1 मंथ इसको फॉलो किया, अब यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गए कि करे तो करे क्या। सो देखो आपको ना एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना पड़ेगा, अपने माइंड को फ्रेम कर लो, एक रास्ते पे नहीं चलोगे, बार बार स्विच करोगे तो रह जाओगे, जितना अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हो वो कर ही नहीं पाओगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है यहाँ पर। तो एक स्ट्रेटेजी जो मैं आपको आज बताऊंगा वो जनरल स्ट्रेटेजी है, वो कोई भी फॉलो कर सकता है, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसको फॉलो करने के बाद आपके परसेंटाइल टॉपर्स वाले आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको वहां पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मेरी बातों को सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देख के चले जाए, लाइक अगर आप सिर्फ वीडियो देख के चले जाओगे एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके टॉपर्स वाले परसेंटाइल आ जाए, तो फिर वो अब मैं क्या ही बोलूँ। तो देखो एक स्ट्रेटेजी पे आपको स्टिक रहना है और एक्सपेरिमेंटिंग नहीं करनी, जैसे मैंने बताया था कि एक ही स्ट्रेटेजी आपने 10 दिन फॉलो करी, बी की 7 डेज, तो ये आपका टाइम खराब करती है हमेशा, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन करती है, तो ऐसी गलती कतई मत करना। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट पे हमेशा बिलीव रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, इवन किसी भी लेवल पे, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। अगर आपके आज परसेंटाइल 60 आ रहे हैं, ठीक है, और आपको देना पड़ेगा कम से कम नेक्स्ट 4 वीक्स, फिर जो आपके परसेंटाइल आएंगे वो आने शुरू हो जाएंगे 75 तक, या 80 भी आ सकते हैं, फिर आप 4 वीक्स और दो वहां पर टाइम, और फिर आपके जंप करेंगे 90 के अराउंड परसेंटाइल। तो ये होता है एक टेक्निक, एक तरीका जो कि यूज करना चाहिए। सो अब यहाँ पर एक चीज आती है जो कि है गाइडेंस। तो देखो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज्ड रहते हैं, कंफ्यूजन में हमेशा रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अब स्ट्रेटेजी फॉलो करे तो किसकी करे, या अगर आपने किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो की भी है, अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी भी फॉलो की है, स्टिल आपको कहीं पे इश्यू आ रहा है, डिफिकल्टी आ रहा है, आप लैग कर रहे हो, तो फिर आप उस चीज में यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हैं।
मेरे से पर्सनली आप टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू। या फिर कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस हो या जो सिलेक्टेड हो, उनसे पूछो, या फिर मेंटोर और टीचर्स मेरे जैसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गाइडेंस की काफी इंपॉर्टेंस होती है, तो यहाँ पर आप इसको सीरियस लेके चले। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो, अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप टिप्स और टेक्निक्स क्या होती है स्कोर हाई करने की। ये मैं बता रहा हूँ पहले बिगनर्स के लिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करो रीजनिंग और क्वांट के, ठीक है। तो इनको क्लियर करने के बाद फिर आपका एक लेवल बनेगा, फिर आप धीरे धीरे अब मैं जो पॉइंट आपको बताऊंगा उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। तो बाकी के सारे पॉइंट रिपीटर्स के लिए होंगे प्लस बिगनर्स के लिए। तो इंग्लिश में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इंग्लिश में रीडिंग डेली रखो अपनी, ठीक है। डेली बेसिस पे रीडिंग करनी है आपको, ये बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। रीडिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप आर्टिकल रीड कर सकते हैं न्यूज़पेपर के, ठीक है, या फिर आप कोई बुक रीड कर सकते हैं, या कोई मैगजीन रीड कर सकते हैं, या फिर आप ब्लॉग्स होते हैं ऑनलाइन वो रीड कर सकते हो। कुछ भी रीड करो, लेकिन रीड आपको करना है तो डेली बेसिस पे रीडिंग करो। लगभग लगभग देखा जाए तो 45 मिनट्स के आसपास आपको टाइम इन्वेस्ट करना है यहाँ पर रीडिंग के अंदर। और इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी क्या होती है कि आपको मैंने एक सपोज 300 वर्ड का एक आर्टिकल दिया, और मैंने आपको बोला कि आपको इस 300 वर्ड के आर्टिकल को 50 वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में लिखना है, फिर समझाना है किसी को कि ये आर्टिकल था किस बारे में। तो आपको वो चीज आनी चाहिए, वो आपको डेवलप करना है, और वही आपकी हेल्प करेगी इंग्लिश सेक्शन में, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, ठीक। अब न्यूज़पेपर आप कोई भी रीड कर सकते हैं। कई बच्चे भागते हैं द हिंदू के पीछे, तो मुझे वो काफी बेवकूफी लगती है। अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आती ही नहीं है तो क्यों उसके पीछे पड़े हो। आप सिंपली जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, एक रहेगी हिंदुस्तान टाइम्स, सेकंड टाइम्स ऑफ इंडिया, और फिर आप इंडियन एक्सप्रेस वगैरह भी देख सकते हैं। बट अगर आपने स्टार्टिंग के दो भी लेके चले, उस पर स्टिक रहे, तो भी सफिशियंट है, या तो हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इस पर स्टिक रहो, वो काफी अच्छा रहेगा। जब आपका एक लेवल बन जाए फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, तो जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है करो, लेकिन एग्जाम की जितनी रिक्वायरमेंट है उस पर रहो पहले, उसको एक डेवलप करो अपने अंदर। अब यहाँ पर देखो, जब आप रीडिंग करोगे तो आपको कोई भी आर्टिकल रीड करना है, मैंने आपको बताया, ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे भी रीड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है आपको क्या अच्छा लगता है। कितने आर्टिकल रीड करने हैं, तो देखो डेली का एक तो करना ही करना है, दो कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपकी कितनी कैपेसिटी है। अब जब आपको मैंने बताया कि आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए, तो कॉम्प्रिहेंड बेसिकली होता है समरी को राइट करना। एक वर्ड लिमिट डिसाइड कर लो, जैसे 50 वर्ड्स लिमिट या फिर 100 की वर्ड्स लिमिट, तो दोनों में से कोई एक डिसाइड कर लो, और उस पे कोई भी आर्टिकल जो आप रीड कर रहे हो उसकी समरी लिखना शुरू करो अपनी लैंग्वेज में। और इस समरी में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखनी, ग्रामर आपको नहीं देखनी। सेकंड चीज, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम इजी बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम इजी रखना है आपको, टफ वोकैबुलरी या टफ लैंग्वेज यूज नहीं करनी है आपको, ठीक। तो एज एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखो नीचे, आपने 300 वर्ड्स का एक आर्टिकल रीड किया। अब उस आर्टिकल को रीड करने के बाद 100 वर्ड्स में उसकी समरी को लिखो, और उस समरी में ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को साइड में कर दो। आपने जो समझा है सिर्फ उसको लिखो, और आपको ये डेली बेसिस पे करना है। तो कोई भी एक रफ नोटबुक मेंटेन कर लो, और आपको ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना है। इसके बेनिफिट क्या होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी काफी अच्छी, जो कि आपको हेल्प करेगी प्री और मेंस दोनों में। सेकंड चीज, लेटर जब आप लिखोगे एग्जाम में तो एक अलग फ्लो मेंटेन आएगा आपका। जब आप ऐसे लिखना शुरू करोगे तो आपके पास इतनी वैरायटी होगी सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने की, प्लस इतने थॉट्स आपके पास डेवलप होने शुरू हो जाएंगे कि
कि आप इन दोनों को बहुत अच्छे से टैकल करके टॉपर्स में स्कोर कर सकते हैं। बट ये चीजें टाइम लेती है, आपको कम से कम नहीं तो 3 मंथ्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर, तब जाके आपको डेवलप होगी। सो ये आपको करना है। देन अब प्रैक्टिस सोर्स की बात आती है कि प्रैक्टिस करें कहाँ से, ठीक है। अब आप इंग्लिश की बात कर रहे हो कि भाई आपको रीडिंग करनी है, पेपर पढ़ना है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है जैसे RC हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया या और भी क्वेश्चंस वैरायटी के, तो आप वो क्वेश्चन हमेशा मॉक टेस्ट से लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट की जो एक लेवल होता है और जो उसकी वैरायटी होती है वो बहुत बेटर होती है बाकी चीज़ों से, PDF वगैरह से। तो मैंने यहाँ पर मॉक टेस्ट 2 बार लिख दिया, इसको इग्नोर करना। तो मॉक टेस्ट को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, बस ये चीज ध्यान रखो। मॉक टेस्ट कोई भी हो सकते हैं, किसी भी ब्रांड का मैटर नहीं करता, बस आपके पास मॉक होना चाहिए। सेक्शनल मॉक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सेक्शनल मॉक, तो सेक्शनल मॉक लगाना शुरू कर दो। ये सबके लिए है, चाहे आप बिगिनर हो या आप रिपीटर हो, वीक में कम से कम 3 से 4 तो सेक्शनल मॉक लगा ही लो। ज्यादा कर सकते हो डेली बेसिस पे एक तो बेस्ट है। अब यहां पर आता है कि अटेम्प्ट मैक्सिमम मॉक्स एज मैनी एज यू कैन। तो ये आपकी फुल मॉक के बारे में बात हो रही है। अगर आप IBPS PO को टारगेट कर रहे हो तो IBPS PO के लिए आपको प्री के फुल मॉक लगाने हैं, और ये आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर 3 स्टेज आते हैं। अब देखो, सपोज आपने यहाँ पर कोई मॉक लगाया, तो आपने कोई मॉक लगाया, अब उसके स्टेज 3 है, 1, 2 एंड 3। अगर आप स्टेज 1 पे हो, यानी कि अगर आप बिगिनर हो, सॉरी, या फिर ज्यादा आपकी प्रैक्टिस नहीं है, कमांड नहीं है मॉक पे, या आपका परसेंटाइल ज्यादा अच्छा नहीं आता, तो सबसे पहले आप ध्यान दो एक्यूरेसी पे, स्पीड को पीछे करो, सबसे पहले एक्यूरेसी को डेवलप करो, फिर आप धीरे धीरे स्पीड को लेके चलो, ठीक है। देन जब आप पूरा मॉक अटेम्प्ट करोगे जिसमें आप एक्यूरेसी को सबसे ज्यादा लेके चलोगे, जैसे एज एन एग्जाम्पल एक मॉक में 100 क्वेश्चंस है, उस 100 क्वेश्चंस में से आपको 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन उस पर एक्यूरेसी मेंटेन करो। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हो, अभी आप स्पीड को ध्यान नहीं दे रहे, उसको साइड में कर रहे हो, और वो जरूरी है आपके लिए। अगर आपकी एक्यूरेसी ही अच्छी नहीं होगी तो स्पीड आपकी कितनी ही क्यों ना हो जाए, आप मिस्टेक बहुत ज्यादा करोगे और वो आपको फेलियर तक ले जाएगी, तो ये नहीं करना। तो आपको एक्यूरेसी और आपके एक्यूरेसी पे ध्यान ज्यादा देना है और स्पीड पे ध्यान कम देना है अगर आप स्टेज 1 पे हो, अगर आप बिगिनर हो तो। जब आप ये सब कर लोगे तो जब आपका मॉक का एनालिसिस होगा, जब आपका मॉक सबमिट हो जाएगा तो उसका एनालिसिस करना है, और उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की जो रॉन्ग हुए हैं या आप जो नहीं बना पाए, और जो आपने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि वो रॉन्ग हुए क्यों है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है एनालिसिस के अंदर। स्टेज 2, अब ये दोनों के लिए है, बिगिनर्स के लिए भी और रिपीटर्स के लिए भी। तो अब आपकी एक्यूरेसी इतनी आ चुकी है कि आप अगर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन कर रहे हो तो 21-22 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, ठीक है। मैं रीजनिंग और क्वांट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश को अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो अब आप जब मॉक लगाना शुरू करोगे, अब चाहे वो आप 1 महीने बाद लगाना शुरू करो, लेकिन पहले जैसे मान लो कि आपने 15 दिन फोकस किया स्टेज 1 पे, 15 डेज, फिर उसके बाद आपने स्विच कर लिया स्टेज 2 पे, फिर यहाँ पर आप 1 मंथ लगाओ टाइम, फिर अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको स्पीड को लेके चलना है। अब स्पीड पे ध्यान ज्यादा करो और एक्यूरेसी को थोड़ा सा लाइटली ले लो, पूरा नहीं, थोड़ा सा लाइटली। जहां आपकी एक्यूरेसी 90% थी वहां पर 85% तक ओके है, एक्सेप्टेबल है, और फिर जो अगेन आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए या आप कहीं स्टक हुए तो आपको वो एनालिसिस करना है मॉक सबमिट होने के बाद। अब आता है एडवांस लेवल स्टेज 3, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एक्यूरेसी और स्पीड अब डेवलप हो चुकी है अच्छे से। अब आप जो भी मॉक लगाओगे उसमें स्पीड भी मेंटेन करो और एक्यूरेसी भी मेंटेन करो, फिर आपका आएगा टॉप परसेंटाइल 90+ वाला, आराम से इवन 99 तक आ सकता है, आप करके देखना। अब मॉक का एनालिसिस कैसे करना है थोड़ा ये चीज देख लो। अब यहां पर भी 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 में हम पहले देख लेते हैं। स्टेज 1 में जब आपका मॉक सबमिट हो जाएगा तो आपको सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो आपके रह गए या जो आपके रॉन्ग हुए हैं, सबको देखना है, प्लस
जिन क्वेश्चंस में आपने टाइम ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जैसे एज एन एग्जाम्पल कोई पजल है जो कि 4 मिनट में सोल्व हो सकती है, बट आपने वहां पर 7 मिनट्स इन्वेस्ट किए, तो आपको वो पजल दोबारा ट्राई करनी है। ऐसे ही डीआई, ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो वहां भी आपको सेम लेके चलना है। तो 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। पहला, सबमिट करने के बाद मॉक को, पहली चीज जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनको देखना है, सेकंड चीज जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनको देखना है, थर्ड चीज जो क्वेश्चन आपने बनाए बट उसमें आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया उसको भी चेक करना है, उसको भी बनाना है दोबारा। अब स्टेज सेकंड में जब आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, अब आपकी इतनी स्पीड बन चुकी है कि आप 4 मिनट की पजल को 4.5 मिनट तक कर सकते हो, ठीक है। तब आप जब मॉक सबमिट करोगे, फिर आपको ऑब्जर्व करना है आपकी मिस्टेक क्या रही है मॉक के अंदर, सबमिट होने के बाद कहाँ मिस्टेक हुई है, क्यों हुई है, मिस्टेक सिली मिस्टेक है या फिर आपने इंटेंशनली कर दी, आपको आता ही नहीं था आपने फिर भी वो ऑप्शन टिक कर दिया, तो उसको ऑब्जर्व करना है। अगर सिली मिस्टेक है तो उसको ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना है और नेक्स्ट मॉक में वो मिस्टेक रिपीट ना हो उस पर फोकस करना है। और अगर इंटेंशनली आपने किया है, बस तुक्का मार दिया, तो फिर वो आदत छोड़ दो वरना दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और इसमें सेम आपका रहेगा कि आपको टाइम देखना है अपना कि कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया, कहाँ स्टक हुए, और प्लस स्पीड का वही टाइम फैक्टर वाला है तो सेम ही है। सो अब यहाँ पर आता है हमारा स्टेज थर्ड, तो ये है एडवांस लेवल। इसमें आपको ये चेक करना है कि जो मॉक आपने लगाया उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है, सेक्शनल और टोटल दोनों, उस पर फोकस करना है आपको। अब आप यहाँ पर सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे कम करना शुरू करोगे और आपकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर था उन बच्चों के लिए जो कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी को जानना चाहते हैं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर आप डेली बेसिस पे प्रीलिम्स का एक मॉक तो लगाना ही लगाना, अभी से शुरू कर दो, ठीक है। ये आपको डेली का एक मॉक लगाना है प्रीलिम्स का, ये मैं आईबीपीएस की बात कर रहा हूँ, या फिर आप एसबीआई का भी मॉक लगा सकते हैं पीओ का, तो आप दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं, कभी आईबीपीएस कभी एसबीआई, या सिर्फ एसबीआई या फिर सिर्फ आईबीपीएस, वो आप पे डिपेंड करता है, या फिर आप स्विच भी कर सकते हैं आपस में अल्टरनेट। तो डेली का एक मॉक आपको लगा के चलना है। अगर इन केस आप डेली का एक मॉक नहीं लगा पा रहे, कम से कम 3 to 4 mocks आपको एक वीक में लगाने ही लगाने हैं, बस इसको ध्यान रखो, ठीक है, इसको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका कंटिन्यूअसली चलेगा अगस्त लास्ट तक, और जब बीच में आपका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स आएगा उस टाइम आप 10 दिन या 15 दिन कंप्लीटली इसको कट ऑफ कर सकते हैं, इस मॉक को बंद कर सकते हैं और पूरा फोकस अपना आरआरबी पीओ मॉक पे लगा सकते हैं, ठीक। आपको ये भी मैंने बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उस टाइम पे टाइम मैनेज करने में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगस्त लास्ट के बाद आपको क्या करना है, आप डेली का जब आपका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स फिनिश हो जाएगा, फिर आप जहां 3 से 4 मॉक लगा रहे थे ऐसे में फिर आप अल्टरनेट डे पे मॉक लगा सकते हैं, अल्टरनेट डे पे आप एक मॉक लगा सकते हैं सितंबर मिड तक, और जैसे आपको सितंबर मिड खत्म हो जाएगा फिर आप अगेन डेली का एक मॉक लगाना शुरू कर दो। दो लगाना है तो दो भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कितना पोटेंशियल आप में है या कितने मॉक आप लगाना चाहते हो, क्योंकि आपका अक्टूबर में प्रीलिम्स है आईबीपीएस का, तो मैं चाहता हूँ कि जब आपका सितंबर मिड फिनिश हो जाए तो आपका एक लेवल बन जाए, और वो बनेगा जब आप सितंबर मिड के बाद ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स के मॉक लगाओगे। कंपटीशन को कभी भी हल्के में नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखो। अब हम आते हैं मेंस की स्ट्रेटेजी पे। तो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, पहले तो ये सुन लो आप, जीए प्लस इंग्लिश, ये दोनों सब्जेक्ट हर एक एग्जाम में गेम चेंजर होते हैं, जो आपको 20+ की लीड दिलाएंगे। इनको स्ट्रोंग किए बिना आप 20+ की लीड ले ही नहीं सकते, अटमोस्ट इम्पॉसिबल है, आप ट्राई कर लो बहुत मुश्किल है। तो ये चीज ध्यान रखो, जीए और इंग्लिश को स्ट्रोंग करना है,
या ऐसा कर लो कि इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो और जीए को मॉडरेट रख लो, या फिर जीए को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो इंग्लिश को मॉडरेट रख लो, वो आप पे डिपेंड करता है। और दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए तो सुपर्ब है, फिर तो बेस्ट है। इंग्लिश में देखते हैं, अब इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में आपको रीडिंग डेली करनी है, आपको मैंने समझाया भी है, वो सेम चीज इसमें भी कंटिन्यू होगी, जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी डेवलप होगी, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, समरी लिखनी है, ये आपको मैंने बता दिया है, तो यहाँ भी आपको सेम करना है। अब ग्रामर की इम्पोर्टेंस क्या है मेंस में, उससे पहले हम देखते हैं प्री में क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो, प्री में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं एरर्स बेस्ड, उसके लिए आप ग्रामर रीड करना चाहते तो कर सकते हो, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप रीडिंग करोगे तो आपकी डेवलप हो जाएगी। आप जो रॉन्ग सेंटेंस होगा या उसमें कोई कुछ ऐसा रॉन्ग होता है, तो वो हम फिगर आउट कर लेते हैं रीड करते करते कि इसमें ये गलती हमको लग रही है, ये कुछ सेंटेंस हमको स्ट्रेंज लग रहा है, तो वो हो जाता है। बट फिर भी अगर आपको ग्रामर करनी है तो आप कर सकते हो, बट मेंस में इसका कोई यूसेज एज सच नहीं होता। ये आप लास्ट 2 साल के जो एग्जाम हुए हैं SBIPO IBPS PO के, उनको आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेंस में जो मैक्सिमम यूज होता है वो होता है आपका अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी का और रीडिंग का। इन दोनों पे अगर आपकी कमांड है तो मेंस में, अगर हम बात करें IBPS की, तो 35 क्वेश्चन आते हैं। उन 35 क्वेश्चन में आराम से आप 32-33 क्वेश्चन तक कर ले जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको इन पे काम करना पड़ेगा। बाकी ग्रामर तो आप कर ही लोगे प्री के लिए, तो फिर वो थोड़ी बहुत, अगर इन केस मेंस में कोई ऐसा कुछ आ गया तो आपकी हेल्प हो जाएगी। बट मैं ज़्यादा फोकस और स्ट्रेस नहीं दूंगा ग्रामर पे, मेरा ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे। ये आपको डेवलप करनी है। इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। अभी टाइम मैनेजमेंट की कोई बात नहीं करता, तो देखो ये होता क्या है बेसिकली, IBPS PO में 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में से अगर आप इतना टाइम सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही इन्वेस्ट कर दोगे कि आपके पास टाइम ही नहीं बचा बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का, और 35 में से आप 20 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो, तो फिर अब आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं एवरेज लेवल में काउंट होगी, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने के बाद आपके मार्क्स भी 15 के आसपास ही आएंगे। इसलिए अगर आप यहाँ पर 35 क्वेश्चन में से 30+ क्वेश्चन करते हैं, तो आपके मार्क्स भी 20+ तो आराम से आएंगे आएंगे, 25 तक भी आ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस करना है। और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है सेक्शनल मॉक से। इंग्लिश के मेंस के सेक्शनल मॉक लगाओ, चाहे IBPS PO के, SBI PO के, या फिर RRB PO के, बट उसकी एक हैबिट बनाओ अपने अंदर सेक्शनल मॉक लगाने की। अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप वीडियोस भी देख सकते हो साथ साथ, और अगर आपके पास सपोज मॉक्स नहीं है या आपके पास इंटरनेट नहीं है उस टाइम पे, आप कहीं लाइक ट्रेवल कर रहे हो या ऑफिस में बैठे हो, फिर आप PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश की, ठीक है। लेकिन अगर आप घर पे हो, आपके पास ये सब फैसिलिटीज है, तो सेक्शनल मॉक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको। और वीडियो से आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के बाद 95% जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका प्रैक्टिस से आएगा, और प्रैक्टिस क्या है आपकी, सेक्शनल मॉक। अब हम सेकंड पे आते हैं कि सेक्शनल मॉक देना कैसे है। तो देखो, सेक्शनल मॉक आपको डेली का एक देना है, कम से कम 3 से 4 तो लगाने ही लगाने हैं एक वीक में। या तो डेली का एक लगाओ तो बेस्ट है, वरना 3 मॉक तो कम से कम लगाओ, अल्टरनेट डे पे एक मॉक लगा लो सेक्शनल। मॉक्स के सोर्स क्या होंगे, तो देखो सोर्स तो सारे अच्छे होते हैं, इंग्लिश तो आप किसी से भी कर लो, ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ लेवल होता है, तो उस लेवल में प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा है आपसे, क्योंकि एग्जाम में जब वो लेवल सामने आते हैं तो आप उसके यूजुअल हो जाते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ओलिव बोर्ड आप कर सकते हो, मुझे काफी पसंद है ओलिव बोर्ड और स्मार्ट क्रीडिया दोनों। उसके अलावा करने को गाइडली भी है, प्रैक्टिस मॉक भी है, अड्डा का भी है, टेस्ट बुक भी है, तो जो आपको करना है प्रैक्टिस आप उससे करो, वो आप पे डिपेंड है। अब हम आते हैं बात डिस्क्रिप्टिव की। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली, तो उसमें आप टेंशन मत लो, उसमें मैं पूरा आपको लिख के, मतलब पूरा टाइप करके मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में अप्रोच कैसे करना होता है और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए
डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, लेटर राइटिंग की और एसे राइटिंग की, प्लस फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मैं आपको फॉर्मेट भी सिखाऊंगा लेटर राइटिंग का, फॉर्मल का उसका, और उसको कैसे अच्छे से अच्छे वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में लेकिन अच्छे वर्ड्स में कैसे उसको एंड अप करना है, कैसे उसको फिनिश करना है लेटर को भी और एसे को भी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है बेसिकली, डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सो इसमें मैं आपकी काफ़ी हेल्प करूंगा आगे जाके, बट अभी के लिए आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एक वीक में 2 बार इसकी प्रैक्टिस करो। इसमें आप क्या कर सकते हो कि फॉर्मल लेटर को आप ले लो, फॉर्मल लेटर को आप प्रैक्टिस करना शुरू करो और उसका जो स्ट्रक्चर होता है पहले उसको समझो कि फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनफॉर्मल जो लेटर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसकी प्रैक्टिस करो टाइप करने की। ठीक है, टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है आपको, लिखने की नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइप करना है, लिखना नहीं है। तो इसलिए टाइप आपको आना चाहिए ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा वर्ड लिमिट कंप्लीट कर सके और आपके वर्ड्स रहे ना। जितने अच्छे से आप वहाँ पर लिखोगे टाइप करोगे उतने ज़्यादा आपको आपको मार्क्स मिलेंगे, प्लस आपके अच्छे मार्क्स लाने के उतने ही ज़्यादा हाई चांस हो जाएंगे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, और ये आपकी प्रैक्टिस जुलाई लास्ट तक चलती रहनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार। इसमें आप लेटर और ऐसे दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, वीक में 2 टाइम्स, कम से कम एक बार तो कर ही लेना, बट आई विल रिकमेंड कि 2 टाइम कर लो तो बेस्ट है। और जब आपका प्रीलिम्स फिनिश हो जाएगा IBPS का, फिर जो आपके पास टाइम बचेगा 1 महीने का या फिर 1.5 मंथ का, उसमें आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतना करना। जैसे मेरी लाइक रिकमेंडेशन रहेगी आपको कि अगर आपको ये लगता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो जुलाई लास्ट तक लेकिन अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप लैग कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस फिर अल्टरनेट डे पे करना शुरू कर देना IBPS PO प्रीलिम्स के बाद। लेकिन अगर आपका लेवल बन चुका है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप टैकल कर लोगे, फिर आप वीक में 1 बार भी कर सकते हो, वो आपके लिए सफिशियंट इनफ रहेगा आपके लिए, तो उसमें टेंशन नहीं लेना। और उसके बाद जब आपका एकदम टाइम क्लोज आ जाए, लाइक जब आपके 15 दिन बचे या आपके 10 डेज बचे, तो 10 डेज में ना जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो डेली पे, लाइक आपको अगर प्रैक्टिस 2 टाइम्स करनी है तो 2 टाइम्स करो, 1 टाइम तो 1 टाइम करो, तो आपको प्रैक्टिस करनी है डेली 1 टाइम या 2 टाइम, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो ये पूरा एक स्ट्रेटेजी थी इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव के बारे में। इंग्लिश की मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा एक, कि कैसे आपको स्कोर करना होता है हाई प्रीलिम्स में और मेंस में अलग अलग, प्लस ऐसे लेटर में कैसे कैसे आपको अच्छा आप टाइप कर सकते हो, अच्छा फॉर्मेट आप तैयार कर सकते हो, और कम से कम टाइम में ज़्यादा वर्ड्स कैसे लिखने हैं, वो भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा स्पेसिफिक वीडियोज में रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो देखो, जनरल अवेयरनेस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। सो ये जो वीडियो है यहाँ पर RRBPO 2024 करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना पूरा कंप्लीट एकदम। इसमें मैंने आपको पूरा समझाया कि कैसे कैसे आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है और कैसे आप इसमें स्कोर हाई कर सकते हैं। तो इसको जरूर कंप्लीट देखना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो अब हम आते हैं इसमें। देखो, एक चीज समझ लो कि आजकल ना ट्रेंड चेंज हो चुका है जनरल अवेयरनेस के अंदर। पहले एक टाइम था जब एग्जामिनर आपको डायरेक्ट हिट क्वेश्चन देता था, बट अब नहीं देता, अब डिटेल में इन डेप्थ जाके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देता है। और जनरल अवेयरनेस में अगर आपके 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं, RBI, नेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल, अपॉइंटमेंट बुक, स्टेट्स न्यूज, ये सब, ठीक है। और एग्जामिनर की जो फेवरेट फ्रेमिंग है ना उसको समझो, और वो आपको समझ कैसे आएगी, इसमें मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, वो जाके देख लो, आपको उसमें पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता है और एग्जामिनर चाहता क्या है आपसे, कि आप क्या रीड करो, कहाँ पर फोकस ज्यादा करो। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि वीकली करंट अफेयर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना डेली से। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखो डेली करंट अफेयर्स में डेज आते हैं, ओबिचोरीज आती है, और भी काफी कुछ न्यूज आती है जो काफी इरिलेवेंट न्यूज रहती है, ठीक है।
तो उन ये जो न्यूज होती है काफी इरिलेवेंट न्यूज होती है, इस पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होता। सबसे पहले आप कवर करो नेशनल को, एग्जामिनर की फेवरेट होती है कि नेशनल में आपकी स्कीम्स भी आ जाती है, सबमिट आ जाती है, इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट लेती है वो आ जाती है। फिर आप फोकस करो आरबीआई प्लस बैंकिंग पे, बैंकिंग में आपका सेबी भी आ जाएगा। फिर आप फोकस करो इंटरनेशनल प्लस स्टेट्स पे, एंड देन अपॉइंटमेंट प्लस बुक्स, एंड उसके बाद जो साइंस एंड टेक वगैरह हो गया, प्लस डिफेंस हो गया, प्लस स्पोर्ट्स, और सबसे लास्ट में एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो मतलब जिसको मैं समझता हूँ कि वहां पर टाइम देना बेवकूफी होती है, वो है डेज और ओबिचोरीज। कभी कभार क्वेश्चन आ भी जाएंगे एक दो तीन, वो मैटर नहीं करता, वो लास्ट में करो कंप्लीट। पहले अपना जो आपका 95% का सिलेबस है करंट अफेयर्स का, उसको फिनिश करो, डेज ओबिचोरीज वगैरह को बाद में करना है। ठीक, तो वीकली करंट अफेयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, बाकी वीकली करंट अफेयर्स पे मैं सेशन भी बनाता हूँ। अभी हमारा अप्रैल फर्स्ट वीक चल रहा है जिसपे हमने नेशनल बैंकिंग और आरबीआई कंप्लीट कर ली है, और हमारी नेक्स्ट 2 डेज में फिनिश हो जाएगी अप्रैल फर्स्ट वीक की। तो उससे बेस्ट कंटेंट आपको शायद ही वीकली का मिलेगा, तो आप जाके लेक्चर देख लेना, और उसकी नोट्स की पीडीएफ लेक्चर की आपको टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल में मिल जाएगी। सो अब हम समझते हैं रीजनिंग के बारे में। तो देखो रीजनिंग के सबसे पहले तो 15 क्वेश्चन आते हैं आईबीपीएस पीओ में, जो कि 2 नंबर के होते हैं, और 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 1 नंबर के होते हैं। तो टोटल आपका हो गया 60 मार्क्स, और जीए आपकी आती है 40 मार्क्स की, और इंग्लिश भी आपकी आती है 40 मार्क्स की, और रीजनिंग 60 मार्क्स, और क्वांट भी आपका आता है 60 मार्क्स का। ठीक है, सो अब रीजनिंग में सबसे पहले करना क्या है, आपको रीजनिंग में डिफिकल्ट लेवल के लिए तैयार करने हैं। मेंस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, मेंस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो हमेशा डिफिकल्ट लेवल को अप्रोच करो, डिफिकल्ट लेवल की तैयारी करो, ताकि एग्जाम में अगर डिफिकल्ट लेवल आ जाता है तो आप टैकल कर पाओ और अच्छे मार्क्स जनरेट कर पाओ। आपको ज्यादा फोकस करना कहाँ पर है थोड़ा वो समझ लो। तो रीजनिंग में जब आप मेंस की प्रैक्टिस करोगे तो सबसे ज्यादा फोकस करना एक तो क्रिटिकल रीजनिंग पे, ठीक है, वो आप वीडियो से या मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड इनपुट आउटपुट से, इसका भी सेम सोर्स वही रहेगा। देन मेंस लेवल जो क्वेश्चंस होते हैं अलग मिसलिनियस, जैसे कि ब्लड रिलेशन का होता है, डायरेक्शन टेस्ट होता है, सिलोक्स होते हैं, और भी कई वैरायटी होती है 3-4, तो उसकी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही आपको सबसे पहले मेंस में मार्क्स दिलवाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, आईबीपीएस पीओ 2022 में जो रीजनिंग आई थी, सॉरी 2023 वाली जो अभी रीजनिंग आई थी, उसमें पजल्स होने का नाम नहीं ले रही थी, और ऐसे में आपको क्रिटिकल रीजनिंग ही बचाती, और 2-3 क्वेश्चन कुछ आपके मिसलिनियस के थे वही आपको सेव करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों को, कि पहले इनको फोकस कर लो, फिर आप मेंस की पजल पे जाओ, और मेंस की पजल अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो डेली की एक प्रैक्टिस करो मेंस की पजल, या फिर 3 पजल यानी कि एक पजल अलग अलग डे पे, अल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वीक में आपकी 3 पजल हो जाएगी। और सोर्स की बात करें तो अगर आप स्टेज 1 में हो, अगर आपने जस्ट अभी एक लेवल अपना बिल्डअप किया है प्रीलिम्स का, और अब आप मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो पहले वीडियोस को देखना शुरू करो उनके, और उनसे समझो, उनकी प्रैक्टिस करो 1 महीना 1.5 महीना, फिर आप स्विच कर दो सेक्शनल मॉक पे। ठीक है, सेक्शनल मॉक जो मेंस लेवल के होते हैं आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ, उन पे स्विच कर दो, फिर वहां से प्रैक्टिस करो, और जब आप मॉक सबमिट कर दोगे तो अगेन जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने या रॉन्ग बने उनकी प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इसको लीस्ट इंपॉर्टेंस देनी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको सेक्शनल मॉक पे। स्टेज 2 में आते हैं, जब आपका लेवल बन चुका है, आपको पता है कि अब मेंस में क्या क्या अप्रोच यूज होती है, वीडियोस में क्या क्या समझाया आपको, फिर आप पूरा फोकस अपना शिफ्ट कर दो 90% सेक्शनल मॉक पे। अगेन वीडियोस को देखो कम एकदम, जब आपके पास आप बोर हो गए, आपके पास कंटेंट नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आप वीडियोस से प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि वीडियो वीडियो पोस्ट करके पहले खुद से आप प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो,
और जब आपसे ना बने फिर आप अप्रोच से देखो टीचर की कि टीचर क्या बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे वीडियो से, सेल्फ प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको अप्रोच देखनी है टीचर की, राइट। और फिर अगेन पीडीएफ को इम्पोर्टेंस कम देनी है। अगर आपको पीडीएफ से ही प्रैक्टिस करनी है, या अगर आप हैबिचुअल हो कि आपको प्रैक्टिस पीडीएफ से ही करनी होती है, तो फिर आप कर सकते हो, वहाँ पे डिपेंड है। बट आई विल अगेन रिकमेंड कि सेक्शनल मॉक से बेस्ट कुछ नहीं है प्रैक्टिस के लिए, किसी भी सेक्शन, चाहे इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन, जो कि लास्ट सेक्शन है, क्वांट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है प्रीलिम्स में, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके काफी लेंदी होते हैं, स्पीड पे फोकस नहीं होता, फोकस ज्यादा आपका एक्यूरेसी पे होता है, एज वेल एज आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो मिलेंगे लॉजिकल डीआई पे। तो ये आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अल्टरनेट डे पे, एक लॉजिकल डीआई करना शुरू करो अल्टरनेट डे पे, अगर आप डिले नहीं कर सकते तो। साथ ही साथ कोई भी 7 से 8 चैप्टर अर्थमेटिक के कवर कर लो, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SI एंड CI हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी। तो ये चैप्टर तो ऐसे हैं जिनको आप कर ही लो एनी हाउ, ताकि आपके मेंस में हेल्प हो जाए। और अगर हम सोर्स की बात करें प्रैक्टिस के लिए, तो जो सोर्स आपको मैंने रीजनिंग में बताया था यहाँ पर, सेम आपको वही फॉलो करना है सोर्स के लिए, स्टेज 1 स्टेज 2, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज पे हो। अब लास्ट हमारी स्लाइड है प्रीलिम्स मॉक और मेंस मॉक। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप प्रीलिम्स मॉक डेली का एक लगाओ, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डेली का एक मॉक मत लगाओ, तब आप वीक में 2 मॉक लगा सकते हो, सफिशियंट है। और जैसे ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब डेली का एक मॉक शुरू कर दो। और बाकी बच्चे जिनको एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स एग्जाम देने का या मॉक देने का, वो या तो डेली का एक मॉक लगाओ कंटिन्यूसली प्रीलिम्स का, या फिर वीक में 3 से 5 मॉक लगाओ। और ये अगस्त लास्ट तक चलेगा आपका, 3 से 5 मॉक वीक में। जैसे अगस्त लास्ट फिनिश हो जाए तब आप भी एक मॉक डेली पे स्विच कर दो, ठीक है। तो ये आइडियल आपका रहेगा कि आपको डेली का एक मॉक लगाना है। मेंस के मॉक के लिए तो देखो, सेक्शनल इंग्लिश हो तो आपको डेली प्रैक्टिस प्रीफर करनी चाहिए। इन केस आप डेली नहीं कर पा रहे तो फिर आप अल्टरनेट डे पे भी कर सकते हैं। क्वांट और रीजनिंग के लिए अल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर 2 से 3 सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करो। या आप ऐसा कर सकते हो कि भाई मंडे को और वेनेसडे को और फ्राइडे को प्रैक्टिस कर लिया आपने रीजनिंग का सेक्शनल मॉक, और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को क्वांट की प्रैक्टिस कर ली। आप ऐसे भी कर सकते हो, वहाँ पे डिपेंड है कि आप कैसे मैनेज करना चाहते हो। फुल मॉक आपको लगाना चाहिए, हाँ जरूर लगाना चाहिए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपके प्रीलिम्स का लेवल इतना बन चुका है कि आपका 75% प्लस आ रहा है, तब शुरू कर दो। वीक में एक मॉक लगाना शुरू करो, और अगस्त लास्ट तक एक मॉक सफिशिएंट रहेगा। और जब अगस्त लास्ट फिनिश हो जाए, या जब आपका प्रीलिम्स आने वाला हो, तब आप थोड़ा सा पॉज करके और प्रीलिम्स फिनिश होने के बाद वीक में 2 मॉक फुल मॉक शुरू कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कितना टाइम मैनेज आप कर सकते हो, लेकिन 2 तो करना ही करना है। ये आपकी एक बहुत ही परफेक्ट और एक राइट अप्रोच रहेगी। तो आपको मैंने हर एक चीज के बारे में डिटेल में समझा दिया, सो आई होप आप सब लोगों को स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी जो मैंने एक्सप्लेन की है स्टेप बाय स्टेप। बाकी जिन बच्चों को आरआरबी पीओ मेंस की स्ट्रेटेजी देखनी है तो वो जाके इस वीडियो पे देख सकते हैं, मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी की वीडियो जरूर देखना। और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये जो आपको मैंने 150 दिन स्ट्रेटजी की प्लानिंग बताई थी, 150 डेज की, सो इस 150 डेज की प्लानिंग के अंदर आपको अभी अभी चल रहा है आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको 100 डेज, जैसा मैंने आपको बताया था, अगस्त लास्ट तक वैसे चलना है। फिर आपको ज्यादा फोकस कर देना है मेंस पर भी,
जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाई है वीडियो में, बस उसको फॉलो करते रहो, वो मोर देन सफिशियंट रहेगी आपके लिए। सो आई होप गाइज आपको चीजें समझ में आई होगी। सो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और जल्दी ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली, प्लस डिस्क्रिप्टिव के लिए भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से स्टडी करो, और कोई कसर मत छोड़ो अपनी मेहनत में।